चलिए आज हम बनाते हैं केले के चिप्स। इसके लिए हमने 4 केले ले लिए हैं। इसको इधर से ऐसे काट लेंगे और अच्छी तरह से दोनों तरफ से काटने के बाद हम इस तरह से छील लेंगे और इसमें थोड़ा हरा पार्ट्स जो है केले में लगा रहने देंगे। उससे हमारे केले के चिप्स जो हैं थोड़े ज़्यादा ही कुरकुरे से बनेंगे। इस प्रकार से सारे केले को हम छील लेंगे। केले के छिलके को हमने अच्छी तरह से निकाल दिया है। अब इसको जो है थोड़ा सा सूखे कपड़े से किसी हम पोंछ लेंगे कि जो भी इसमें पानी लगा है वो भी सूख जाए। केले में छिलके उतारते समय थोड़ा बहुत ये हरे पार्ट्स को लगा रहने देंगे, पूरा सफ़ेद नहीं करेंगे। अब जिससे हम चिप्स बनाते हैं, इससे हम आलू की चिप्स काटते हैं, उसी से हम इस केले के चिप्स को इस तरह से काटेंगे। तेल अच्छी तरह से गरम हो गया है। जो केले के चिप्स को हमने काटा है इसको अब गरम तेल में हम इस तरह से डाल देंगे। इसको पकने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता लगता है। फटाफट इसको तेल में डालिएगा और फिर किसी छन्नी की सहायता से इसको थोड़ा सा हिला करके निकाल लीजिएगा। हल्का कलर जब चेंज हो जाएगा तुरंत हम निकाल लेंगे, इसको ज़्यादा लाल नहीं करेंगे। केले के हमने लंबे लंबे चिप्स काटे थे और 2 केले के अब हम इस तरह से गोल गोल चिप्स काट लेंगे। इस तरह से सारे चिप्स को हम काट लेंगे। चिप्स हमारे अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। अब चिप्स को हम निकाल लेते हैं। एक बर्तन में हमने टिश्यू पेपर फैला लिया है और इस चिप्स को उसी में डाल देंगे जिसमें एक्स्ट्रा तेल जो हो वो टिश्यू पेपर में निकल जाए। वाले चिप्स हमने काटे हैं, अब इनको भी डाल देते हैं और इनको भी फ्राई कर लेते हैं। चिप्स हमारे फ्राई हो गए हैं, अब इसको हम निकाल लेते हैं। हमने काटे थे इन चिप्स को फिर से हम डाल देते हैं। फिर से हम फ्राई कर लेंगे और फिर से चिप्सों को हम निकाल लेंगे। ये चिप्स के लिए हम बना रहे हैं इसलिए इसमें सेंधा नमक और काली मिर्च पाउडर ऊपर से डाल करके हम खाएंगे। और अगर आप ऐसे खाना चाहते हैं तो इसमें चाट मसाला डालकर खाइएगा। बहुत ही टेस्टी चिप्स बन करके और फटाफट तैयार हो गए हैं। प्रकार के भी चिप्स हमारे हो गए हैं, इसको भी हम निकाल लेते हैं। बर्तन में हमने टिश्यू पेपर लगा लिया, उसी में चिप्स को हम डाल देंगे जिससे एक्स्ट्रा तेल रहेगा तो वो निकल जाएगा। चिप्स को हमने बर्तन में डाल दिया। देखिए जो इसमें एक्स्ट्रा तेल था वो हमारा निकल गया है। देखिए दोनों चिप्स हमारे बन करके तैयार हैं। देखिए कितने कुरकुरे चिप्स बने हुए हैं, इस तरह से तोड़ के देखिए। हम व्रत में खाने के लिए बना रहे हैं इसलिए इसमें हम डाल देंगे ऊपर से सेंधा नमक। अगर आप ऐसे बना रहे हैं चाय के साथ खाने के लिए तो आप फिर इसमें सादा नमक डाल दीजिए। हम डाल दे रहे हैं ऊपर से काली मिर्च पाउडर, ऊपर से डाल देंगे थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। स्वाद को और बढ़ाने के लिए थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल देंगे। आप इसमें अगर ऐसे ही खा रहे हैं तो आप इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं, उससे इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। आप लोगों को मेरी बनाई हुई रेसिपी अगर अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। अगर आप इसको स्टोर करके रखना चाहते हैं तो इसमें मसाले और नमक कुछ मत मिलाइए, एक एयर टाइट डिब्बे में भर करके रख दीजिए। इसके बाद जब आपको खाने का मन करे तब इसमें आप नमक और मसाले मिलाइए और चाय के साथ इंजॉय करिए।